तो चलिए अब हम वन डायमेंशन में होने वाले कुछ कोलिजन्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वन डायमेंशन में कोलिजन कैसे होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट कोलाइड होते हैं तो कोलिजन के टाइम उनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन को हम लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं यदि ऑब्जेक्ट्स कोलिजन के बाद भी इसी लाइन पर बने रहते हैं तो इस प्रकार के कोलिजन को वन डायमेंशन कोलिजन या ऑन कोलिजन कहते हैं तो चलिए वन डायमेंशन कोलिजन में सबसे पहले हम कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन को देखते हैं माना एम वन एंड एम टू दो मास यू वन एंड यू टू वेलोसिटी से कोलाइड करते हैं एंड कोलिजन के बाद ये दोनों चिपक कर वी एफ से मूव करते हैं अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं एम वन यू वन माइनस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू वी एफ यहाँ पे मास एम टू का मोमेंटम नेगेटिव है क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एम वन इस इक्वेशन को हम वी एफ फाइंड करने के लिए रीअरेंज कर लेते हैं तो हमें यह मिलता है एंड इस केस में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वन प्लस एम टू इंटू वी स्क्वायर सब्ट्रैक करते हैं अब हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का एक स्पेशल केस लेते हैं जब एम टू रेस्ट पर हो इट मींस यू टू इज इक्वल टू जीरो प्रीवियसली फॉर्म्ड इक्वेशन में यदि हम यू टू इज इक्वल टू जीरो पुट करें तो हमें वी मिलता है एम वन यू वन इसी प्रकार लॉस ऑफ़ काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में हम U2 इज़ इक्वल टू जीरो पोट करें एंड Vf इज़ इक्वल टू m1 u1 अपऑन m1 प्लस m2 सबस्टिट्यूट करें तो हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 m2 अपऑन m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर मिलता है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशन माना m1 और m2 u1 एंड u2 वेलोसिटी से मूव करते हुए कोलाइड करते हैं यहां पर हमने अज्यूम किया है कि u1 इज ग्रेटर देन u2 कोलाइड होने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स v1 एंड v2 वेलोसिटी से मूव होने लगते हैं यहां पर हमने कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए सारी वेलोसिटीज सेम डायरेक्शन में अज्यूम की हैं अब सबसे पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं उससे हमें एम वन यून प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस रीअरेंज करें तो हम एम वन इन टू यू वन माइनस वी वन विच इज इक्वल टू एम टू इन माइनस यू टू लिख सकते हैं अब हम काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वन वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हमें यह मिलेगा अब यदि हम इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर दें तो हमें यह मिलेगा विच इज u1 वन माइनस यू टू इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थ्री बाय एम टू एंड देन सब्ट्रेक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट दिस And this can be rearranged to get v1 is equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 u1 plus 2 times m2 upon m1 plus m2 into u2. Now, multiplying equation 3 by m1 and then adding it to equation 1, we get v2 is equal to m2 minus m1 upon m1 plus m2 u2 plus 2 times m1 upon m1 plus m2 into u1. तो यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज की हम वेलोसिटी v1 वन एंड वी फाइंड आउट कर सकते हैं अब हम इलास्टिक कोलिजन के कुछ स्पेशल केस लेते हैं हमारा पहला केस है जहां पर मास m2 रेस्ट पर है दैट मीन्स u2 टू इज इक्वल टू जीरो इस केस में हम v1 वन एंड वी की प्रीवियसली फॉर्म्ड इक्वेशंस जो कि यहाँ पे येलो और ब्लू बॉक्सेस में हैं, उनमें यू टू इज इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट कर दें तो ऐसा करने पर हमें वी वन एंड वी टू की वैल्यूज इस केस के लिए मिल जाएंगी अब हमारे नेक्स्ट केस में एम टू टू रेस्ट पर है पर साथ में एम वन एंड एम टू दोनों एम के इक्वल हैं, तो हम वी वन एंड वी टू के फॉर्मूले में अगर एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू एम सब्सटीट्यूट करें एंड यू टू इज इक्वल टू जीरो सब्सिट्यूट कर दें तो ऐसा करने पर हमें वी वन इज इक्वल टू जीरोन को हम इस तरह से देख भी सकते हैं इस केस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था इंट्रोडक्शन के टाइम पे जब दो इक्वल मास इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो उनमें से एक रेस्ट पर हो तो कोलिजन के बाद मूविंग मास रेस्ट पर आ जाता है और रेस्ट वाला मास सेम वेलोसिटी से मूव करने लगता है तो चलिए अब इलास्टिक कोलिजन का लास्ट स्पेशल केस देखते हैं जब m2 रेस्ट पर हो और मास m2 टू इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू m1। वन इस केस में हम m1 को नेग्लिजिबल मान सकते हैं और ऐसा करने पर हम v1 की वैल्यू लगभग माइनस यू वन के बराबर मिलती है एंड वी टू की वैल्यू लगभग जीरो के बराबर मिलती है अर्थात हम ये कह सकते हैं मास एम टू लगभग स्टेशनरी रहेगा कोलिजन के बाद हम इस एनिमेशन के द्वारा भी इस चीज को क्लियरली समझ सकते हैं